बीजेपी की ओर से जैसे ही 2024 के आम चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई, वैसे ही कई नेताओं के राजनीति से संन्यास लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। वजह यह कि बीजेपी की पहली लिस्ट में उन नेताओं के टिकट कट चुके हैं। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने जहां टिकट आने से पहले ही खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का आग्रह किया था, तो वहीं अब सूची जारी होने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि शनिवार को बीजेपी ने जो टिकटों की घोषणा थी उनमें डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट भी काट दिया गया था। अब उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति से दूरी बनाने के अपने फैसले का ऐलान किया है। बता दें कि हर्षवर्धन चांदनी चौक लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। इस बार के लिए पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया है। बता दें कि हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते, और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी करने के लिए अनुमति चाहता हूं। 50 साल पहले जब मैंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा के साथ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में MBBS में प्रवेश लिया, तो मानव जाति की सेवा ही मेरा आदर्श वाक्य था। दिल से एक स्वयंसेवक बनकर मैं हमेशा कतार के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की कोशिश करता रहा हूं। इस तरह मैं दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मानने वाला रहा हूं। तत्कालीन RSS नेतृत्व के आग्रह पर मैं चुनावी मैदान में आया। वे मुझे केवल इसलिए मना सके क्योंकि मेरे लिए राजनीति का मतलब हमारे 3 मुख्य शत्रुओं, गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने का अवसर था। हर्षवर्धन ने आगे लिखा कि मेरी एक अद्भुत पारी रही जिसके दौरान आम आदमी की सेवा करने को मैं जुनूनी तौर पर जुटा रहा। मैंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया। ये विषय मेरे दिल के करीब है। मुझे पहले पोलियो मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम करने और फिर COVID-19 के संक्रमण के दौरान उससे जूझ रहे हमारे लाखों देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का दुर्लभ अवसर मिला। मानव जाति के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही लोगों को गंभीर खतरे के घंटों में अपने लोगों की रक्षा करने का विशेषाधिकार दिया गया है, और मैं गर्व से दावा कर सकता हूं कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि इसका स्वागत किया। मां भारती के प्रति मेरी कृतज्ञता, मेरे साथी नागरिकों के प्रति मेरी श्रद्धा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति मेरी श्रद्धा रही। इसके साथ ही वह सबसे बड़ा सौभाग्य जो भगवान श्री राम ने मुझे दिया, वह मानव जीवन को बचाने में सक्षम होने का सौभाग्य रहा। तो इस तरह का भावुक पोस्ट लिखकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। अब इसे बीजेपी से वफादारी कहें या फिर मजबूरी, फिलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट चुका है और लंबे राजनीतिक करियर पर उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।